नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी हुई। इस नीलामी में बेखौफ होकर भारी संख्या में लोगों ने जमकर बोली लगाई, लेकिन इसमें बाजी मारी सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने, जिसने 3,51,00,000 रुपए में दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को खरीदा है। बता दें कि जांच एजेंसी सीबीआई ने 1993 में मुंबई सीरियल धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम की कुल 10 संपत्तियां जब्त की थी। नीलाम होने वाली संपत्ति दक्षिण मुंबई के पार्क मोडिया स्ट्रीट में अमीना बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, जो कि 40,000 स्क्वायर फीट की 4 मंजिला इमारत है, जहां से दाऊद अपने गंदे धंधे चलाया करता था। बता दें कि इस इमारत के लिए कुल 25 लोगों ने बोली लगाई थी। वहीं इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं, जिसमें एक होटल रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और एक घर शामिल था। पिछली नीलामी के दौरान सरकार ने दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियों को कुल 11 करोड़ रुपए में नीलाम किया था। हालांकि नीलामी के बाद इन संपत्तियों पर कब्जा करने में बोली लगाने वालों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी। मालूम हो कि इसी साल के अप्रैल महीने में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो दाऊद की सारी संपत्तियां तत्काल प्रभाव से सीज करे। आपको बता दें कि दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना ने याचिका दी थी कि मुंबई में संपत्तियों को सीज ना किया जाए। जस्टिस आर के अग्रवाल ने दाऊद इब्राहिम के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति देती थी। वहीं इससे पहले साल 1998 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सही ठहराया था। केंद्र सरकार का कहना था कि दाऊद के परिवार के पास ये संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की गई है। केंद्र के मुताबिक दाऊद की मां और बहन ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि उनके पास ये संपत्ति कहां से आई। ये अवैध है, इसलिए इसे जब्त करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।